अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको ले चलता हूँ पश्चिम बंगाल की एक ऐतिहासिक जगह हुगली इमामबाड़ा। हेलो दोस्तों, पहुँच गया हूँ हावड़ा स्टेशन और हावड़ा स्टेशन से मैं लेने वाला हूँ हावड़ा टू बैंडल लोकल ट्रेन जो मेरे पीछे खड़ी है। अब मैं ट्रेन में चढ़ चुका हूँ, चढ़ गया ट्रेन में, देख सकते हैं, यू कैन सी। स्टेशन से हम लोगों ने लिया टोटो, टोटो यहाँ से इमामबाड़ा लेके जाएगा और आपको लगेगा पर हेड 30 रुपीज। थैंक यू दादा। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं इमामबाड़ा, हार्डली 10 मिनट्स लगा टोटो से स्टेशन से यहाँ इमामबाड़ा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो चलिए दिखाते हैं आपको इमामबाड़ा। हुगली इमामबाड़ा भारत की संस्कृति की एक कहानी बयां करती है। इस इमामबाड़ा को हाजी मोहम्मद मोहसिन ने बनवाया था। हाजी मोहम्मद मोहसिन ईरान के रहने वाले थे और वो एक सिया मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। इस इमामबाड़ा में एक मस्जिद और एक मदरसा भी है। इस इमामबाड़ा को सन 1841 से 1860 में बनाया गया था और इसे बनने में लगे थे पूरे 20 साल। उस वक्त ये इमामबाड़ा बनाने में लगे थे 1,60,434 रुपए। इस इमामबाड़ा के प्रवेश द्वार पे है 80 फीट का ट्विन टावर जिसके बीच लगी है दो कांटे वाली एक बड़ी सी घड़ी जो काफी ही फेमस है। ये इमामबाड़ा फेमस है अपनी क्लॉक टावर के लिए जिसको चढ़ने में लगती है 152 सीढ़ी। इस दो कांटे वाले घड़ी को लगी है 3 घंटी, एक 80 मन की, एक 40 मन की और एक 30 मन की। इस घड़ी को हफ्ते में एक बार चाबी दी जाती है और उस चाबी की वजन है 20 केजी। और इस घड़ी को सन 1852 में 11,721 रुपये में खरीदी गई थी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ इमामबाड़ा के अंदर ही और ये मेरे पीछे जो सीढ़ी देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत सारी सीढ़ियाँ, मुझे भी पता नहीं कितना, लेकिन ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर में एक घड़ी घर है और एक घंटा घर है, काफ़ी फेमस है। मैं भी आपको ले चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। दोस्तों मैं अभी 125 सीढ़ी चढ़ा और चढ़ के मुझे मिला घंटा घर। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही थक चुका हूँ। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाए, साइट सीइंग में जाए, किसी भी जगह, ये वॉल में ये सब ना किया करें, डोंट स्पॉइल इट। इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखें प्लीज़। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पूरा डिग कर दिया अंदर में, दिस इज़ नॉट गुड। प्लीज़ आप सभी से, आप जो भी देख रहे हैं कहीं भी जाएं, ये चीज ना करें। ये घंटा घर आप देख सक रहे हैं, अंदर में घंटा है ये बड़ा सा। आई होप आपको दिखाई देता होगा अभी भी घंटा। दोस्तों मैं बिल्कुल ही टॉप में चढ़ गया हूँ, करीब करीब 150 सीढ़ी है, शायद मुझसे एक दो मिस हुआ होगा वीडियो करते करते, पर ये लास्ट है, यहाँ मैं खड़ा हूँ।
दोस्तों अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, आपको घंटा घर दिखाया और इसके एकदम टॉप में भी मैं आपको लेके गया। अब घड़ी अंदर से मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ है ही नहीं दिखाने के लिए घड़ी, वो मैं बाहर से आपको दिखा दूँगा। ये घड़ी बिग बेन लंदन से खरीदी गई थी। इस घड़ी की कंपनी का नाम है ब्लैक एंड हुरे। ये एक घड़ी लंदन में है और दूसरी हुगली इमामबाड़ा में, और दुनिया में कहीं नहीं है। आपको सुनाई दे रहा है ये घंटा, ये घड़ी घर का है, 12 बजे ये बज रहा है, 12 बार। इमामबाड़ा के दीवारों पे बड़ी ही खूबसूरती से कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और ये रंग बिरंगी लटकती झूमर इस इमामबाड़ा को और भी आकर्षित बनाती है। मैं अब आपको ले चलता हूँ इमामबाड़ा के पीछे जहाँ है सन क्लॉक, जो कि सूरज की रोशनी से चलती है। और इस इमामबाड़ा के पीछे की दीवार पे हाजी मोहम्मद मोहसिन की तौलियतनामा, या कहें ट्रस्ट डीड, लिखी हुई है, जो कि पर्शियन और इंग्लिश में लिखी हुई है। दोस्तों ये है सन क्लॉक। ये सन क्लॉक भी काफ़ी पुरानी है, जो कि आज भी सूरज की रोशनी से सही वक्त बताती है। और इस सन क्लॉक के सामने ही बहती है हुगली नदी। दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ मेरा आज का ये ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।